दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि कच्चे आहार से वजन कम होता है और अधिक पोषक तत्व मिलता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। कुछ फूड ऐसे हैं जिन्हें पकाकर ही खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे फूड का सेवन आप अगर बिना पकाए करते हैं तो इसके कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ हम आपको 5 ऐसे फूड के बारे में बता रहे हैं जिनका सेवन कभी भी कच्चा ना करें, इन्हें जब भी खाएं पकाकर ही खाएं। नंबर 1, अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अंडा बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है और इसमें शरीर के लिए जरूरी लगभग सभी पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। लेकिन अंडे को कच्चा खाना स्वास्थ्य के लिहाज से सही नहीं है। कच्चे अंडे में सेल्मोनेला बैक्टीरिया हो सकता है जो पेट में समस्या पैदा कर सकता है, इसलिए अंडा खाने से पहले इसे पका लें। नंबर 2, ग्रीन पोटैटो। पुराने आलू या फिर धूप के संपर्क में अधिक देर तक रहने के कारण आलू का कुछ हिस्सा हरा हो जाता है। जब भी आलू हरा हो जाता है, इसमें सोलेनाइन नामक केमिकल बन जाता है, जिसके सेवन से सिर में दर्द, थकान, मतली और पेट की समस्या हो सकती है। इससे बचाव के लिए आलू को ठंडे स्थान पर रखें और इस तरह के आलू के सेवन से बचें। नंबर 3, बीन्स। लाल सेम को अगर कच्चा खाया जाए तो इसे खाने के कुछ पल बाद आपको उल्टी, मतली, पेट में दर्द और पेट में सूजन जैसी समस्या हो सकती है। दरअसल इसमें कल्प्रिट नामक एक प्रकार का विषाक्त पदार्थ होता है, इसके कारण ही पेट की समस्याएं होती है। इसलिए इसे प्रयोग करने से पहले कम से कम 5 घंटे तक भिगोकर रखें, फिर इसे अच्छे से पकाकर इसका सेवन करें। नंबर 4, कसावा। कसावा की जड़ में भी साइनाइड होता है। दरअसल साइनाइड इसकी पत्तियों में होता है, जो इसे कीड़ों और जानवरों से बचाने में मददगार है। इसकी जड़ खाने के काम आती है, लेकिन इसकी जड़ में भी साइनाइड की थोड़ी मात्रा मौजूद होती है, जिससे खाना खतरनाक हो सकता है। इसे खाने से पहले अच्छी तरह पानी में धोएं, अच्छे से पकाएं, फिर इसका सेवन करें। नंबर 5, चिकन। चिकन के शौकीन अगर इसे कच्चा खाएं तो इसके कारण उनके पेट की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि उन्हें अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। इसमें मौजूद बैक्टीरिया पेट में कई तरह की समस्या कर सकते हैं। इसे अगर कच्चा खा लिया जाए तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इसलिए चिकन को खाने से पहले इसे 165 डिग्री के तापमान पर देर तक पकाएं। इससे इसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाएंगे।